उसने अपने नाखून पर मोमबत्ती का मोम भर दिया, फिर उसमें एक छोटा सा हीरा जड़ दिया। ये तो बस रिहर्सल कर रही थी। अगले दिन वो काम खत्म करके ऑफिस से निकल रही थी, तब उसके हाथ से एक हीरा निकलकर जमीन पर गिरा। हॉल में इतना सन्नाटा था कि हीरा गिरने की आवाज सिक्योरिटी गार्ड को सुनाई दी। उसने देखा कि महिला नाखून के अंदर हीरे चुरा कर ले जा रही थी। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, पर अभी तो पार्टी शुरू हुई है, असली खेल अब शुरू होता है। ये अंकल सफाई कर्मी बनकर अंदर घुस गया। इस वक्त कोई सिक्योरिटी नहीं थी क्योंकि महिला के एक्ट ने सबका ध्यान भटका दिया था। फिर उसने महिला द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से गेट को खोला। फिर उसने निर्धारित समय के दरमियान सारे हीरो को कचरे के डिब्बे में भर लिया और समय रहते वहां से निकल गया। अंकल जी ने सारे हीरो को कचरे के डिब्बे में भर लिया और फिर वहां से निकल लिए। पर अब दिक्कत इस बात की थी कि इतने सारे हीरे को इस हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग से बाहर कैसे ले जाया जाए। तब उसने एक आइडिया लगाया। वो स्टोर रूम में चला गया। उसने पानी की लाइन के वाल्व को खोल दिया, फिर 200 करोड़ के डायमंड को सिंक में डालकर पानी में बहा दिया। डायमंड्स बहते हुए सीवर के आखिरी छोर पर पहुंच गए। अंकल का काम अब खत्म हुआ, इसलिए वो वहां से निकल गए। इधर महिला की पूछताछ जारी थी, पर पाया गया कि उसने जो हीरे चुराए थे वो कुछ खास नहीं थे, इसलिए उन्होंने महिला को जाने दिया। पर फिर भी उन्होंने कैमरे चेक किए, पर सब कुछ नॉर्मल था। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतनी देर में उनकी लुटिया डूब चुकी थी। अगले दिन महिला ने सीवर में जाकर देखा तो वहां डायमंड्स का ढेर लग चुका था। अब दोनों मालामाल बन चुके थे।